ससुर जी चलिए ना, मैं आपकी बेटी को वापस आपके पास ले आया हूं। अब हनीमून के बाद रहने के लिए घर भी तो चाहिए ना। और हाँ, उसे मेरे खिलाफ समझाने की बिल्कुल कोशिश मत करना। वो क्या है ना कि वो मेरे प्यार में कितनी पागल है ये तो आपने देख ही लिया है। उसके साथ ही साथ वो दीवानी भी हो चुकी है और दीवान की हिदायतें नहीं मानते सिद्दीकी साहब। अबू मैं जानती हूँ अब हैदर को बिल्कुल पसंद नहीं करते और अब ये खुद भी जानते हैं कि आपके पास उन्हें नापसंद करने के लिए ऐसे कोई वजह नहीं है। प्लीज मेरे नजरियों से देखने की कोशिश कीजिए। मेरी जिंदगी की सारी खुशियां बस उन्हीं से है। वैसे एक बात कहूं, बड़ी मासूम बेटी है आपकी। जिस शख्स के साथ वो अपनी जिंदगी की तमाम खुशियां ढूंढ रही है वही उसकी जिंदगी में जहर घोल रहा है। बड़ी जालिम दुनिया है सिद्दीकी साहब, अपने तजुर्बे से कह रहा आपने मेरी जिंदगी तबाह की, अब मैं आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। लेकिन मैं इतना भी खुदगर्ज नहीं हूं, आप बाप हो मेरा के उसकी जिंदगी का फैसला आपके हाथों में ही। आपको फैसला करना है सिद्दीकी साहब कि आप अपनी बेटी की जिंदगी कहां बर्बाद होते हुए देखना चाहते हैं, अपनी आंखों के सामने या फिर पूरी दुनिया के सामने। अब जिंदगी तो उसकी हराम होनी है लेकिन कहां ये आपको तय करना है, जो भी आपको सही लगे। अपनी बेटी की खुशी में ही हमारी खुशी है। तुम हमारी नजरों के सामने रहो, बस हमारे लिए यही अहमियत रखता है। बेटे मैं तुम्हें किस तरह बताऊं कि हैदर कितना बड़ा धोखेबाज है। मेरा दिल तो बहुत घबरा रहा था निखत के बारे में सोच सोच के, क्योंकि जब भी मैं नजमा को निखत के बारे में पूछती थी इसके चेहरे का रंग ही उड़ जाता था। खैर ये सुन के अच्छा लगा कि अब वो रिकवर कर रही है, वरना मैं तो कल आपके घर आने ही वाली थी उसे देखने। हाँ जरूर आइए, हमें तो बहुत अच्छा लगेगा आप आएंगी।
वैसे कहने को तो आप निखत की सौतेली माँ है, पर प्यार सगों से ज्यादा करती है ना? लेकिन अम्मी देखिए, मैं सोच रहा था कि हमें निखत को अभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। उसने अभी अभी रिकवर करना शुरू किया है, ऐसे में अगर आप आएंगी तो वो चैन से कहाँ बैठने वाली है? आप तो उसे जानती है ना, आपकी मेहमान नवाजी में वो सारा घर सर पर उठा लेगी और बेचारी परेशान हो जाएगी। पर जैसे निकट ठीक हो जाएगी मैं उसे जरूर ले आऊंगा यहाँ। वो खुद भाईजान और जोया से मिलना चाहती है। उसका तो बड़ा मन था ताजमहल में निकाह देखने का। हाँ, मेरा भी बड़ा मन था ताजमहल में निकाह देखने का। बहुत मजा आया होगा ना? नजमा बता रही थी सब लोग फ्लाइट पे गए थे। क्या बात है सुनिया, दिल खोल के खर्चा किया है। हाँ? आपको भी आना चाहिए था। हाँ, वो क्या है ना, मेरा बड़ा मन था आने का, पर आजकल सारा वक्त घर ढूंढने में निकला जा रहा है, फिर भी कोई ढंग का घर मिल ही नहीं रहा है। घर किसके लिए? आप तो जानते हैं नजमा का बच्चा आने वाला है, और फरहान भी अब अपनी जिंदगी में आगे निकल चुका है, कल को इसका बच्चा होगा, तो मैं सोच रही थी यहीं कहीं आसपास ले ले, आने जाने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी ना। एक्चुअली भाईजान बात यह है कि मैं चाहता हूँ कि कोई बना बनाया घर मिले तो अच्छा है, ताकि शिफ्ट होने के बाद निखत को कोई परेशानी ना हो। आप तो जानते ही उसकी तबीयत कैसी है। हाँ, और आजकल निखत भी कितनी दुखी रहती है, आपके पास रहेगी तो उसका भी मन लगा रहेगा, है ना? I've got an idea. फरहान, तुम हमारे पुराने वाले घर में शिफ्ट हो जाओ। जी। अरे नहीं नहीं भाईजान, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम मैनेज कर लेंगे। फरहान, आप लोग हमारी फैमिली हो, वो घर निखत और नुजहत का उतना ही है जितना हमारा। लेकिन अम्मी, असद बिल्कुल ठीक कह रहा है, जब अपना घर है तो फिर दूसरे घर क्यों जाना बेटा? एग्जैक्टली, और उस घर में मैं रहूं या मेरी बहन रहे, बात तो एक ही है। I'll get the keys. नजमा, बड़ी किस्मत वाली हो, कितना अच्छा भाई मिला है तुम्हें। भाई, नया घर मिलने की खुशी में मुंह तो मीठा कराओ। हाँ जरूर, मैं अभी लेकर आती हूँ। अम्मी, भाईजान, मुझे लगता है हमें भाईजान को सब कुछ बता देना चाहिए। मैं निकाह की वजह से चुप थी, लेकिन मैं और झूठ नहीं बोल सकती। मैं भाईजान को सब कुछ सच सच बता दूंगी। या अल्लाह, मुझे बार बार ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं इन्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, कई बार मिल चुकी हूँ, बातें कर चुकी हूँ, पता नहीं, लेकिन ये सब कुछ बहुत अजीब है। हुमैरा, हाय, कैसी हो? कल पूरा दिन नजर नहीं आई, कहीं बाहर गई थी? आपको क्या लगता है आप मुझसे सवाल पूछेंगी और मैं जवाब दे दूंगी? ओके, नाराज क्यों हो रही हो? कम से कम मुझे विश तो कर दो। जोया, आपको किसी की विशेष की जरूरत नहीं है, लाइफ में आपने जो चाहा वो आपने पा लिया है, सब कुछ तो है आपके पास, और क्या चाहिए? कहाँ सब कुछ है मेरे पास हुमैरा, सब कुछ तो किसी के पास भी नहीं होता। कहते हैं ना, मुकम्मल जहां तो किसी को भी नहीं मिलता। अच्छा सुनो,
ये देखो, मैंने काफी टाइम से तलाश कर रही हूं। मेरी जिंदगी में ये पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरे पास सिर्फ इनकी तस्वीर के ये दो टुकड़े हैं। क्या तुम इन्हें पहचानती हो? या तो वक्त के साथ साथ जानने वालों की तस्वीरों के रंग बदल जाते हैं, फिर किसी अजनबी की तस्वीरों के टुकड़ों को देखकर मैं क्या बता पाऊंगी? ये लीजिए, मैंने नहीं जानती। समझ नहीं आ रहा किससे पूछूं, कहां जाऊं, कौन कर रहा है ये सब मेरे साथ? क्या ये तनवीर का काम है या किसी और का? लोगों के लिए ये सिर्फ तस्वीर के टुकड़े हैं, लेकिन मेरे लिए ये मेरी जिंदगी है। मुझे इन टुकड़ों को जोड़ के अपनी जिंदगी की तस्वीर को पूरा करना है। नजमा बेटा, इसकी क्या जरूरत है? अरे, निखत का जहां इलाज चल रहा है ना, वो शहर का सबसे बड़ा पागलखाना है। अच्छा थोड़ा लगता है अपने घर की बात किसी और को कहना। ये भी तो उसी का घर है ना अम्मी, उस घर की बातों को इस घर के लोगों से छुपाने की क्या जरूरत है? मैं तो सिर्फ निकाह के कारण चुप थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि निकाह के माहौल में लोगों को किसी भी तरह का सदमा लगे। लेकिन अब मैं और झूठ नहीं बोल सकती, मैं भाईजान को सब कुछ सच सच बता दूंगी। नजमा, निखत मेरी बीवी है और मैं नहीं चाहता कि उस घर की कोई भी बात बाहर जाए, समझे तुम? अरे, असद भी आ गए। क्या युगो? लो बेटा। शुक्रिया भाईजान। लीजिए, मिठाई लीजिए। हाँ, नजमा पहले तुम मुंह मीठा करो। चलिए, इसी बहाने घर में थोड़ी चहल पहल तो होगी, वरना जब से वो घर छोड़ा है ठीक से देख भी नहीं पाए उस घर को। हाँ भाई, वहाँ बच्चे की किलकारियां गूंजेगी तो वहाँ की दीवारें भी पाक हो जाएंगी, है ना? आमीन। हैदर, जब आप मेरे साथ होते हो तो हर पल हर लम्हा जैसे दीवानापन छाया रहता है, ज़ुल्फ खुद खुल जाती है, पैर खुद नाचने लगते हैं। मैडम, खुदा के लिए जुल्म मत कीजिए। एक नॉन डांसर का डांस देखने से बड़ी सजा कोई नहीं हो सकती। आपने नॉन डांसर किसको कहा? आपको। मरा हुआ पति सवा लाख का होता है, ये तो मर के शानदार हवेली हमारे नाम करके गई है। अम्मी, अम्मी, निखत की तबीयत के बारे में मुझे बताते ही रहिएगा। ओफ नजमा, तुमने ना हमें दुखी कर डाला है। अरे निखत तुम्हारी बहन है तो इस बेचारे की बीवी है। मैंने तुम्हें कहा ना, जहां वो गई है ना वहां उसे जरा भी तकलीफ नहीं होगी। अब तुम अपनी बहन की फिक्र छोड़ो, अपने आने वाले बच्चे पे ध्यान दो। चलो फरहान। फरहान भाईजान को तो फिक्र है ऐसे लग ही नहीं रहा। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें निखत की कोई परवाह नहीं। या अल्लाह, आई जस्ट होप निखत सही सलामत हो।
संभल कर, अब ठीक तो है ना? एक मिनट, आप जाइए। निखत जाते जाते ना जाने क्या क्या बखेर के चली गई। और ये किसका है पता नहीं। ये पागल खाने वाला दुपट्टा घर में कैसे था? निखत घर वापस आ गई। 2515, क्या बात है। ये देखिए बाजी, हमने पूरे 2515 रुपए बचाए इस महीने की बचत, वो भी सिर्फ राशन से और सब्जी से बचाए हैं। सच कह रहा, आप बहुत फिजूल खर्ची करते हैं। आप तो आटा भी 15 रुपए महंगा लेती हैं। अब मैं बोलूंगी तो बोलेगी कि बोलती है। सिद्धकी साहब भी ना सौतन लेकर आए तो कबाड़ता हूं, एक एक चीज का हिसाब रखने वाली। ये अठन्नी चवन्नी का हिसाब रखने की ना मुझे आदत है और ना ही जरूरत। तू बचा ले क्योंकि तुझे जरूरत है। अरे तू क्या जाने, हवेलियों में रहने वाले महफूज रहते हैं। हाँ लेकिन जो कभी भी सड़क पर आ सकते हैं उन्हें तो एक एक पैसा बचा ही लेना चाहिए। मेरी एक बात और भी है जो कान खोलकर सुन ले। जब मेरा जी करेगा ना तुझे इस घर से धक्के मारकर बाहर फेंकवा दूंगी। धक्के खाने की नौबत तो उनकी आएगी बाजी जिन्हें पैसों की कद्र ना हो। आज से आपकी फिजूल खर्ची बंद। और हाँ, आपको ये भी बता दें कि अब आपके शौहर रिटायर हो गए और इस घर का पता भी नहीं। पता नहीं इस घर से भी उन्हें कब बोरिया बस्तर बांध के यहां से जाना पड़े। ये जो तेरे बित्ते से मुंह में कस भर लंबी जुबान है ना, इसे तो संभाल कर रख वरना खींच लूंगी। और याद रखना बात किससे कर रही है। छोटी भी? हाँ। धोबी आया है। ठीक है चलो हम आते हैं। अगर ये फोटोज तनवीर ने भेजे हैं तो वो इन्हें ऐसे देख के जरूर हैरान रह जाएगी। कोई ना कोई रिएक्शन तो जरूर होगा। जो भी धोबी कपड़े लगाए उसे गिन लीजिएगा और उसे अच्छे से अलमारी में सही से लगा दीजिएगा। बाजी आप कैसे सफाई करते हैं? देखिए यहाँ पे कितना कचरा पड़ा हुआ है, फेंकिए इसे। तनवीर वाकई इन फोटोग्राफ्स के बारे में कुछ नहीं जानती, उसने कुछ रिएक्ट ही नहीं किया। तनवीर बहुत चालाक है और उसे बोतल में उतारना इतना आसान नहीं है। एग्जैक्टली पता है उसने वाजिद से कहा कि ये क्या कचरा फैला के रखा है इसे फेंक दो। She really doesn't know anything.
मगर ये सब तनवीर नहीं कर रही तो कौन कर रहा है? और ये काम उसी इंसान का हो सकता है जो हमें अच्छी तरह जानता है, सामने नहीं आ रहा। ये लीजिए मैडम, आपके लिए कोई खत आया है। देखिए यहाँ पे कितना कचरा पड़ा हुआ है, फेंकिए इसे।